दिन ब दिन तेल की कीमतों में हो रहे इजाफे के खिलाफ आज कांग्रेस समेत 21 दलों ने भारत बंद बुलाया है। इस बीच आज भी पेट्रोल डीजल के रेट में कमी नहीं आई है, बल्कि दाम और बढ़ गए हैं। पेट्रोल के रेट में 23 पैसे की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल में 22 पैसे का इजाफा हुआ है। इन नए दामों के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि मुंबई में एक लीटर पेट्रोल का दाम 88 रुपए 12 पैसे पहुंच गया है। वहीं डीजल के रेट में भी राहत नहीं मिली है, आज इसके दाम में 22 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में एक लीटर डीजल के लिए 72 रुपए 83 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जबकि मुंबई की बात की जाए तो यहां एक लीटर डीजल का रेट बढ़कर 77 रुपए 32 पैसे हो गया है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। खबर है कि इस बार भारत बंद की अगुवाई यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी करेंगी। कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 21 दलों का समर्थन है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। बंद का समर्थन करने वाले दलों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और डीएमके समेत 21 दल शामिल है। कर्नाटका सरकार ने बंद के चलते सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रहेगी। इधर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के इस बंद से किनारा कर लिया है।